इतनी धुन है माशाल्लाह, इतनी अच्छी हवा चल रही है। और देखिए यहाँ पर अल्लाह एकदम लग रहा है धुआं 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 हो रहा है ना। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है, कुछ नजर भी नहीं आ रहा ऊपर में। ये देखिए पूरा पूरा एकदम कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये लाइट में नजर समझ में आ रहा है। देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है ठंड वापस आने वाली है। बोलो शाज़े क्या है बता, बोलो ठंड लग रही है शाज़े, तो ठंड नहीं लग रही। अब पता है बेटा गर्मी आ जाएगी, अब गर्मी आ जाएगी, बस ये जाती हुई ठंड है, ये जाती हुई ठंड और कुछ नहीं। आ जाओ आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ आ जाओ, बहुत रात हो रही है। इबा चीना अभी उठे हो तुम? समायरा आ गई नीचे। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। सो बस आ गए हैं आज एक और न्यू व्लॉग के साथ में, और आज बहुत दिनों बाद। दरअसल मेरी कुछ तबीयत भी सही नहीं थी, हाथ का लेके मसला हो गया मेरा, हाथ के लिए मुझे बहुत अभी हाथ में पेन है, और मैंने इंजेक्शंस नहीं लिए थे तो मुझे इंजेक्शंस लेने पड़े, और बस थोड़ा सा हाथ को, क्योंकि और एक दूसरी बात है ना, हाथ को तो चलिए साइड में, लेकिन अभी क्योंकि मैं अभी पूरी अपनी रेसिपीज़ में बिज़ी हूँ, बहुत जल्दी एक कुछ नया आने वाला है। सो प्लीज़ व्लॉग में आगे बने रहिए। और हाँ, आज एक दावत का प्रेपरेशंस कर रहे हैं, घर पे एक दावत है और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उसी की तैयारियाँ चल रही हैं घर में। सो चलिए देखते हैं घर में क्या क्या बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं, व्लॉग में आगे बने रहिए। अच्छा पापा लाफ़ कुछ करना मत, तुम क्या कर जाओगे। बच्चों को ट्यूशन भेज दिया था, सो बस जल्दी जल्दी सब तैयारियों में लग गए थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरा मैका भी बहुत बड़ा है और मेरे ससुराल भी बड़ा है। सो अगर सिर्फ मैके वाले और ससुराल वाले अगर बैठ जाएंगे तो हंस के माशाल्लाह से 50 आदमी निकल जाएंगे। सो जाहिर सी बात, उससे ज़्यादा लोगों का इंतज़ाम कर रहे, 70-80 आदमियों को लगभग। सो और इंसान जब तैयारियाँ करता है, कुछ भी इंसान किसी के लिए बनाता है तो एक आदमी के लिए नहीं बनाता है, वहाँ 10 लोग बैठे रहते हैं तो सभी के लिए बनता है। सो चलिए आइए, हमारे साथ बने रहिए और देखिए क्या क्या आइटम्स बना रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स अभी जस्ट रेडी होके बैठे हैं और अभी सब मेहमान आना शुरू हो गए हैं। अच्छा मैं बता दूं कि मेरी सास खीर पूरी की न्याज देती हैं,
सो बस बहुत सारे आइटम्स बनाए हैं आज हमने, क्योंकि आज माशाल्लाह से घर में सारे मेहमान आने वाले, तो इंसान जब मेहमान आता है तो मेहमान नवाजी करनी चाहिए इंसान को, तो मेहमान नवाजी करनी चाहिए, तो बहुत आइटम्स बने हैं। सो देख दिखाया मैंने, कुछ कुछ दिखाया आपने देखा होगा व्लॉग में। सो आगे देखते रहिए कि हमारे यहाँ की दावत कैसी रहती है, और चलिए आपको व्लॉग में आगे ले चलते हैं कि दिखाते हैं कि क्या क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। और सो बस दोनों भाई ट्विनिंग कर रहे हो तुम लोग माशाल्लाह। इसको वो सीधा करना, हाँ सीधा करो उसका मुँह। इब्राहिम सो रहा है अभी, इब्राहिम शफान सिंगा पहले ब्लॉगर था, अब जो नहीं हुआ तो ब्लॉगर हो गया, ब्लॉगर था। शाजा के बहुत गुदेसी आ रहा है। तुम लोग देखो पैर कहाँ रखे हो तुम, हमजा हस्बैंड नहीं थे, सुबह से बाहर निकले हुए थे अपने काम के सिलसिले में, सो वो भी आ गए थे, 8 बज गए थे लगभग। आज श्रीमा के लिए हमने कैमरा ऑन किया। हेलो स्नैपचैट से नहीं होता है कैसी, अच्छा वीडियो स्नैपचैट से नहीं होगा। अम्मी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बोले अस्सलाम वालेकुम के बने रही है। अभी घर से सब आए हैं और देखिए माशाल्लाह से 16 लीटर खीर बनी थी और पूड़ियाँ बनी थी माशाल्लाह 6 kg के। काले चने जो होते हैं छोले वो भी बना लिए थे, क्योंकि ना बाहर के नाश्ते से अच्छा घर में जो नाश्ता बनता है वो ज़्यादा मज़े का होता है। यहाँ दलिया हलीम भी बनाई गई थी, दही बड़े थे, दही बड़े एक पतीला पूरा बना के रख दिया था, बाकी मैंने फ्रिज में स्टोर कर लिए थे कि अगर ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं निकाल लूँगी, लेकिन पूरे ख़त्म हो गए थे, फिर दोबारा दूसरा पतीला बनाना पड़ा दही देख के मुझे। और यहाँ चिकन कटलेट मैंने एक दिन पहले रात को बना के स्टोर कर दिए थे। घबराइए मत, सारी रेसिपीज़ आएँगी फ्लेवर्स बाय शेरी में, फिलहाल अभी आप व्लॉग देखते रहिए। वालेकुम सलाम, ये ब्रा ये वो क्या नाम है उसका भूल गए, शिजान 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 बाबा अली मिला गुड्डा, अली मम्मा की जानी, अली मम्मा की ठंडक। इब्राहिम क्या देख रहे हो? ये देख रहे सुबह से यहाँ दस्तरखान लगा दिया था और यहाँ सब बैठ के एंजॉय कर रहे थे नाश्ता। और माशाल्लाह क्या खा रहे हो जिन्हें, कैसा लगा था दलिया, कैसा बना? दिल्ली याद आ गई। सब जेंट्स आ गए थे, पापा भी आ गए थे, शाहिद भाई भी आ गए थे, राजा भाई भी आ गए थे, सभी कोई थे, और भी कितने मेरे रिलेटिव्स नहीं आ पाए जिनको मैंने बुलाया था। हर कोई अपने ज़िंदगी में एकदम बिजी है लाइफ में, सो किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। तुम कहाँ बैठे हो इब्बू? भाई डैडा देख लेंगे, देखो तुम कहाँ बैठे हो, ये देखो डैडा को दिखा रहे डैडा, कैसे बोलते हो? यहाँ शाजिया ने बिरयानी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खाने में इतनी बरकत हो गई थी, सभी ने बैठ के खाना खा लिया आराम से, सब कोई था, सिर्फ मेरी बड़ी वाली नन नहीं थी सारी कापी, और आती तो अच्छा लगता लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाई।
क्रीम लेके जा रही हो? प्रूफ प्रूफ देख ले राजा भाई, चले गए राजा भाई तो पहले चले गए। चल जा अल्लाह हाफिज, बाय बाय कर लो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, क्या किश अल्लाह हाफिज। क्या हुई भाई शायद? सुबह सीट आज का व्लॉग, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।